हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्न मनी जॉब्स। हाँ जी, अपने चलता पे सी पजल्स रीजनिंग द टॉपिक। दो लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। आज अपना थर्ड लेक्चर है, दैट इज द बेस्ड ऑन द पजल्स। पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आज बॉक्स बेस्ड होंगे, ठीक है। पहले वाले अपन सिलेक्शन बेस्ड कितने सीगे, सेकेंड वन अपन कितने सीगे डे बेस्ड। आज अपन बॉक्स बेस्ड करने लग गए। देखो, नाइन बॉक्सिस नेम दिते हुए ने ए टू लेके आई तक, ठीक है। फिर उन्होंने की गल कही है कि आर अबव वन अबव द अदर वर्टिकली, वर्टिकली प्लेस किते हुए है, ठीक है। वर्टिकली समझ दो, एक ऊपर एक, नॉन नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। नॉन नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर नाइन बॉक्सिस कहे है। तेन तुसी कितना लोगे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। प्रोजेक्शन अगेन आप इन भी दो दो ही लगे चलांगे, कि अगर साढ़े को गलत हो जाता है सानू दुआ के क्वेश्चन ना अटैम्प्ट करना पवे, एक बार ही असं अटैम्प्ट कर दिए, ठीक है। चलो, वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं जरूरत पड़ेगी, बट चलो फिर भी। ओनली थ्री बॉक्सिस आर प्लेस बिटवीन बी एंड एफ विच इज नॉट अबव बॉक्स बी, ओके। उन्होंने कहा बी ते एफ दे विच ओनली थ्री बॉक्सिस आर प्लेस्ड, मतलब बी ते एफ दे विच तीन बॉक्सिस प्लेस होने हैं, ठीक है। नाल ना की गई है विच इज नॉट अबव बॉक्स बी, मतलब एफ बी तो ऊपर नहीं होएगा, ठीक है। मतलब बी तो ऊपर नहीं होंगे, जे मतलब एक कंडीशन मेरे को ले बन गई तो मैं दूजी कंडीशन एवं तो बना सकती सी, बट वो कहें बी तो उत्ते नहीं होने चाहिए, बॉक्सिस बी तो उत्ते नहीं होने चाहिए। दैट मीन साढ़े को फिर की बनेगी, यही वाली बनेगी कंडीशन, क्लियर है, ओके। अगला की कही है एच इज प्लेस थ्री, एच इज प्लेस्ड थ्री प्लेसिस बिलो सी, एच इज प्लेस्ड थ्री प्लेसिस बिलो सी बट कैप्ट इमीजिएटली बी अबव ई। एच कितने पे है, प्लेसिस बिलो सी, थ्री प्लेसिस कल कही है, तो मतलब देर आर टू टू बॉक्सिस बिटवीन एच और सी, ठीक है। एच कितने गल गई, नीचे गई है सी दे बैठ मतलब पे होने की गल की एच इज प्लेस्ड थ्री प्लेसिस बिलो, थ्री प्लेसिस बिलो सी, वन टू थ्री। अगर उन्होंने किया कि मतलब इन्होंने हाउ मेनी बॉक्सिस पर्सन वट एवर, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। जिदा गल कही है, पर उन्होंने उनकी गल कही है कि एच इज प्लेस्ड, एच की जी प्लेस है ना वो थ्री प्लेसिस बिलो है सी तो, ठीक है। थ्री प्लेसिस बिलो है मतलब देर आर टू बॉक्सिस बिटवीन सी एंड एच, ठीक है। बट कैप्ट इमीजिएटली अबव ई, बट की गल की हुई है, बट की कंसीडर करते हैं आप, बट नू की कंसीडर करांगे, एच ही कंसीडर करांगे ना, यस और नो, ठीक है। जे हुक क्या होंगा फिर असि सेकेंड एलिमेंट लेना सी, बट क्या है, एंड क्या है, वाइल क्या है, तो हमेशा यू विल टेक फर्स्ट एलिमेंट। उन्होंने क्या मतलब एच कैप्ट इमीजिएटली अबव ई, मतलब जेड़ा एच है ना वो ई दे बिल्कुल अबव होएगा, इमीजिएटली, इमीजिएटली गल कही मतलब इदा आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेसिस बिटवीन डी एंड जी इज सेम एज जी एंड एफ, ए हाले सानू कुछ नहीं कहा जा सकता, इस करके इनू छड़ दो। फिर उन्होंने कहा बी इज कैप्ट इमीजिएटली बिलो आई विच इज नॉट द टॉप मोस्ट बॉक्स, बी इज कैप्ट इमीजिएटली बिलो आई, मतलब आई इत उत्ते होएगा, आई उत्ते होएगा, जे आई उपर होया बी दे इमीजिएटली गल कही ना, बी इज कैप्ट इमीजिएटली बिलो आई, ठीक है। विच इज नॉट द टॉप मोस्ट, मतलब आई इज नॉट द टॉप मोस्ट, और पहले इथो नहीं ले लेना तुसी आए, क्लियर है, ये भी गल साडी क्लियर होगी, ठीक है। मैं इथे भी टिक लगा लैनी है, मतलब जेडी जेडी चीज एक बार मेरी हो रही है मैं उन्होंने सिर्फ टिक लगाती जा रही हूं, सिर्फ वो एक हिंट के तौर पर लिखा, हाले वैसे कुछ नहीं प्लेस किया। जी एंड एच आर प्लेस्ड वन ऑफ द प्लेसिस बिलो बी, मतलब या जी या फिर एच बी दे नीचे आना चाहिए, ए भी गल क्लियर है तुहानू, ठीक है। ओनली थ्री बॉक्सिस आर प्लेस बिटवीन डी एंड सी, डी और सी दे विच सिर्फ तीन बॉक्सिस आएंगे, देखो डी और सी दे विच तीन बॉक्सिस आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। देखो मैं इथे बना लगी हाँ, वाला जो इतने लिखे ना सी वाला, सी टू प्लेसिस खाली है एच ई, उन्होंने की गल कही है कि ओनली थ्री बॉक्सिस जी एंड एच आर प्लेस्ड, ए भी हले बाद विच, ओनली थ्री बॉक्सिस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड सी, डी ते सी दे विच तीन बॉक्सिस आने चाहिए ने, तीन बॉक्सिस अगर आएंगे तो फिर या तो डी इत्थे होना चाहिए, बट इत्थे ऑलरेडी ई है, दैट मीनस
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ 1, 2, 3 ਥ੍ਰੀ ਬਾਕਸਿਸ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਕਸਿਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਓਨਲੀ ਥ੍ਰੀ ਬਾਕਸਿਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ 9 ਪਲੇਸਿਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪਲੇਸਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇ 2 ਪਲੇਸਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਐਚ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਈ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਈ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪਲੇਸਿਸ ਫਿਰ ਐਫ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂ 1, 2, 3 ਪਲੇਸਿਸ ਫਿਰ ਐਫ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 1, 2, 3 ਪਲੇਸਿਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰੱਖਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਕਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡੀ ਐਂਡ ਜੀ ਇਸ ਸੇਮ ਐਂਡ ਦ ਜੀ ਐਂਡ ਐਫ ਡੀ ਐਂਡ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਐਂਡ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐਂਡ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਗਏ ਓਕੇ ਡੀ ਐਂਡ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪਲੇਸ ਖਾਲੀ ਹੈ ਏ ਦੀ ਪਲੇਸ ਖਾਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਹੀ ਡੀ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 2 ਹੀ ਡੀ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐਂਡ ਐਚ ਆਰ ਪਲੇਸਡ 1 ਆਫ ਦ ਪਲੇਸਿਸ ਬਿਲੋ ਬੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਾਂ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੀਚੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂਡ ਐਚ ਆਰ ਪਲੇਸਡ 1 ਆਫ ਦ ਪਲੇਸਿਸ ਬਿਲੋ ਬੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਟਿਪੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਬੇਸਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਯੈਸ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਬਾਕਸਿਸ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ ਜੀ ਐਂਡ ਐਚ ਆਰ ਸਟੈਕਡ 1 ਅਬਵ ਅਨਦਰ ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦ ਬਾਕਸ ਐਟ ਦ ਬੋਟਮ ਮੋਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਣਾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਾਕਸ ਓਕੇ ਐਂਡ ਦ ਬਾਕਸ ਅਬਵ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਐਂਡ ਸੋ ਓਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ 2 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਸੋ ਓਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 4 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਵਾ ਦੇ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਐਟ ਦ ਫੋਰਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫੋਰਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 4 ਆਣਗੇ ਇਹਦੇ 2 ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਓਨਲੀ 2 ਬਾਕਸਿਸ ਆਰ ਕੈਪਟ ਬਿਟਵੀਨ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬਾਕਸਿਸ ਆਣਗੇ ਮਤਲਬ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਬਾਕਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1, 2 ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੀ 2 ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਨਲੀ 2 ਬਾਕਸਿਸ ਆਰ ਕੈਪਟ ਬਿਟਵੀਨ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ 2 ਬਾਕਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਦੀ ਫਿਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
फिर उन्होंने की गल की है बॉक्स डी इज कैप्ट इमीजिएटली अबव ए, मतलब जेड़ा डी आएगा ना वो इमीजिएटली ए आएगा, बट हले साडे कोई होर क्ल्यू नहीं है सो लीव हेयर, मतलब एक बार बना के देखे इतने ही छोड़ दो, अपन जो यूज करांगे उदो देख लवांगे। हुन देखो ओनली फोर बॉक्सिस आर कैप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड जी, ई ते जी दे विच की है फोर बॉक्सिस आएंगे, ई ते जी दे विच उन्होंने कंडीशन रखती 1 2 3 फोर बॉक्सिस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। टोटल ताडे कोल किन्नियां ने 8, ते ई ते जी ताडे कोल किन्नियां जगह लै रहियां ने टोटल, जे विच चार है ते आ वाले दो कंसीडर करके 6 पोजीशंस लै रहियां, मतलब ये ताडी फिर मेजोरिटी होगी, इन्हें मेजोरिटी का काम करना है क्वेश्चन दे विच, ठीक है। हुन उन्होंने की गल की है बॉक्स ई इज कैप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव बॉक्स जी, ये भी साडी कंडीशन होगी कि वो कहते कि जेड़ा ई है हमेशा उत्ते होएगा, ठीक है। नीचे इस करके सानू नीचे वाला इन्हें विच नहीं ना कहा सी तां मैं एक बारी नीचे लै लिया सी एक बारी उपर लै लिता, उन्होंने कहा कि ई हमेशा उत्ते ही होएगा, बॉक्स ई इज कैप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव जी, ठीक है। ये मैं ड्रॉ कर लिया, हुन मैं इन्हां नू पुट करन दी कोशिश करदी हां विचे। देखो एक तो मेरे को हो गया ई इथे आ गया 1 2 3 4 जी इथे आ गया, ठीक है। सेकंड पोजीशन भी मैं ई इथे लवांगी 1 2 3 4 क्यों लिया लवांगी देख लो, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन साडे कोल जेड़ा सी सीगा ना वो नीचे है, सेकंड कंडीशन साडे कोल सी किथे है इथे है, इस करके मैं इग्नोर नहीं करना कि सी दी पोजीशन तो अलग अलग ही है ना दोनों दे विच, ठीक है। इस करके हुण मैं आ वाली कंडीशन पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कीती हुई ने कि मैं इनके अकॉर्डिंग हुण मैं होर ई किथे पुट कर सकती हाँ, क्योंकि देयर आर फोर बॉक्सिस बिटवीन ई एंड जी, अगर मैं ई नूं इत्थे करदी हां 1 2 3 4 ते जी इत्थे आंदा है, फिर इन्दे विच 1 1 2 3 4 ते मेरे को जी किथे आंदा है इत्थे आ रहा है, ठीक है जी। मेरे को जी इत्थे आ रहा है होर किते नहीं आ सकता, ठीक है। ई ने उपर ही आना है, ई ने नीचे आने नहीं, इस करके आ दो कंडीशन दे विच ई जी मैं इत्थे लिखिया, क्यों लिखिया क्योंकि सिर्फ इस करके कि एक बार सी इथे सीगा एक बार सी उपर है, दैट्स वाई, ठीक है। फिर उन्होंने कहा बॉक्स डी इज कैप्ट इन ओड पोजिशन, हुन असी इहदा क्ल्यू ए वाला क्ल्यू यूज कर सकते हैं, हुन असी ए वाला क्ल्यू यूज कर सकते डी ए, क्योंकि उन्होंने कहा डी ते ए दी पोजिशन जिहड़ी है ना डी दी की होएगी ओड नंबर ते होएगा, ठीक है। इहदे विच या मेरा डी ए इथे रख सकती हां, ठीक है, डी ए इथे रख सकती हां, मैं डी इथे नहीं रख सकती क्योंकि इथे बी इथे बैठा है, ठीक है। इथे वैसे ही एक स्टैक बॉक्स है, मतलब एको ही खाली बॉक्स है, ठीक है। इस विच मैं डी ए किथे रख सकती हां, डी और ए, डी और ए इन्दे विच की हो गया, इन्दे विच मेरे को डी जेड़ा ए हैगा वो दोनों बारी किथे आ रहा है, इवन नंबर ते आ रहा है, सो मेरे को वाली पॉसिबिलिटी डायरेक्ट की होगी रोंग होगी, ठीक है जी। हुन मैं डी ते ए, अच्छा पहला मैं सी नू बठावा, ठीक है, पहला मैं सी नू बठानी हां कि सी, क्योंकि उन्होंने की गल कही है कि मैं सी दा हले थे इथे ही लै लिते सीगे ना, इस करके मैं सी नू इहदे विच नहीं बठाया सीगा, ठीक है। पहला तां चलो डी ते ए ही रखदे हां, डी ते ए इथे ही रख सकदी हां, होर मेरे कोई पोजीशन नहीं हैगी, ते डी इथे की हो जाएगा इवन ते आ जाएगा, इस करके मेरे को भी पॉसिबिलिटी की हो जाएगी डायरेक्ट ही रोंग हो जाएगी। हाँ जी, फोर्थ पॉसिबिलिटी दे विच हैगा पॉसिबल, क्योंकि डी किथे आ रहा है 3 ते आ रहा है, ठीक है। हुन मैं इन्दे विच सी बठानी है, सी किथे आएगा मेरा, सी देगा मेरे को कोई कंडीशन की सीगी, ओनली टू बॉक्सिस आर कैप्ट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी दे विच ओनली टू बॉक्सिस आर देयर, ठीक है। मतलब मेरे को दो पॉसिबिलिटीज रोंग हो गई है, ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर लेफ्ट, देखते हैं किन्दे विच अपना क्वेश्चन जाता है, ठीक है। बॉक्स डी साडे कोल हो गया, ओड नंबर ते फिक्स हो गया। हुन उन्होंने कहा नंबर ऑफ बॉक्स कैप्ट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई दे विच जिन्ने जिन्ने बॉक्सिस होंगे ना सेम नंबर ऑफ बॉक्सिस होंगे एफ एंड एच दे विच। देखो ई साडा इत्थे बैठा है, ठीक है, जे मैं एफ इत्थे पुट कर लवां, ठीक है, एच इत्थे पुट कर लवां, देयर आर टू बॉक्सिस बिटवीन ई एंड एफ एंड देयर आर टू बॉक्सिस बिटवीन एफ एंड एच, सेम नंबर दे हो गए, साडी कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी, दैट मीन साडी यही पॉसिबिलिटी सही होगी। लेट मी चेक दिस वन ऑल्सो, ठीक है, मेरे को ई ऑलरेडी इथे है, ठीक है, या तो मैं एफ नू इथे बिठावा, देयर इज नो बॉक्स बिटवीन एफ एंड ई, उन्होंने कहा एफ ते ई दे विच जिन्ने बॉक्सिस ने ओने ही एफ ते एच दे विच होने चाहिए ने। हुन मैं एच फिर किथे बिठा सकती हां, इथे बिठा सकती हां, बट देयर आर टू बॉक्सिस बिटवीन एफ एंड एच, या फिर मैं की कर सकती हां
एफ इथे बिठा सकती हाँ एच इथे बिठा सकती हाँ बट देयर इज नो बॉक्स बिटवीन ई एंड एच ठीक है ओ सॉरी एफ एंड ई दे विच साडे कोल वन है और एफ और एच दे विच टू है एफ और एच दे विच टू है एफ और ई दे विच वन है इस तरह साडे कोल पॉसिबिलिटी नहीं होएगी साडी पॉसिबिलिटी केड़ी सही हुई फर्स्ट वाली सही हुई क्लियर है जी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच की गल की एट बॉक्सिस ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर प्लेस वन अबव द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर देयर आर फोर बॉक्सिस बिटवीन ओके इन विच की गल की सानू नंबरिंग ही दिती हुई कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मतलब पिछले क्वेश्चन विच क्या होया सी नीचे स्टार्ट करना है ठीक है आप स्टार्ट बॉक्सिस इथो ही करांगे वन टू मतलब एक एस्टिमेशन ले लेने ठीक है एक क्योंकि इन्हें विच साड़ी वो पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन सकती ने ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है मैं इतने नंबर वन ले लेनी इतने नंबर एट ले लेनी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मतलब एक सिंपल जी ले ली थी एग्जाम्पल कि ए फर्स्ट इथे आएगा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट ठीक है मतलब एक जस्ट एस्टिमेशन नथिंग ठीक है क्योंकि इन्हें विच की है साड़े को कोई नंबरिंग नहीं दिती होगी तो मेरे को सो मैनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती ने ठीक है मेरे को सो मैनी पॉसिबिलिटीज हो सकती ने मैं इसके पहले ही ड्रॉ करके चला गया देर आर फोर बॉक्सिस बिटवीन डी एंड जी डी और जी दे विच टू फोर बॉक्सिस होंगे अगर मैं डी इथे लैनी हाँ वन टू थ्री फोर ते जी इथे आया फर्स्ट विच फर्स्ट प्रोजेक्शन दे विच पॉसिबिलिटीज है ना वन टू थ्री फोर अगर मैं डी इथे लैनी वन टू थ्री फोर जी इथे आया अगर मैं इथे लैनी है तो मेरा जी किथे आएगा फर्स्ट नंबर ते आएगा ये कुछ नहीं है नीचे ठीक है जी हुन की है उन्होंने ए नहीं गल कही हुई डी उपर ही है जी उपर जी नीचे ही है जिदा लास्ट क्वेश्चन दे विच कही हुई सीगी हुन ए भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मेरे को जी इथे है ठीक है तो मेरे को डी किथे होएगा वन टू थ्री फोर डी फिर मेरे को इथे होएगा अगर मेरे को जी इथे है तो डी किथे होएगा इथे होएगा अगर मेरे को जी इथे है तो डी मेरे को किथे होएगा इथे होएगा ठीक है जी इस करके मैं पॉसिबिलिटीज बना के चलूंगी कि मेरे को ये चीजा हो सकती ने चलो ए मैं एक बार सारी पॉसिबिलिटीज की कर लीती ने ड्रॉ कर लीती फिर आने टू बॉक्सिस आर प्लेस बिटवीन बी एंड जी बी और जी के दो प्लेसिस हो गए मतलब इथे नीचे दो प्लेसिस है बिटवीन चाहिए मतलब इन्हे कंडीशन अकॉर्डिंग बी इथे आ गया बी और जी इन कंडीशन अकॉर्डिंग इथे आ गया बी बी और जी इस कंडीशन इथे आ गया बी इस कंडीशन इथे आ जाएगा बी ठीक है इस कंडीशन मेरे को इथे आ जाएगा बी और इस कंडीशन मेरे को बी आ जाएगा इथे क्लियर है जी ठीक है जो जो चीजा बोलिया हुई ने पॉसिबिलिटीज ड्रो करके चलनी पैनगियां नंबर ऑफ बॉक्सिस बिटवीन ए एंड जी इज सेम एज बिटवीन एच एंड बी फिलहाल असि इन्ना नहीं कर सकते इस करके क्योंकि ना साडे कोल ए हैगा ना साडे कोल एच हैगा ओनली ना साडे मतलब साडे कोल बी ते जी जरूर हैगा बट मतलब ए ते जी भी नहीं हैगा ते एच ते और बी भी नहीं हैगा इन्दे विचों इक्को ही एलीमेंट है इन्दे विचों भी इक्को ही एलीमेंट है इस करके इन्हों इत्थे छड्ड दो नेक्स्ट देखो हाँ ए इज प्लेस्ड अबव जी ए ने जी दे उत्ते आना है ठीक है अबव आना है बट इमीजिएटली नहीं आना मतलब की है ए इस कंडीशन दे विच ते ए उपर आ ही नहीं सकता इस करके मेरे को ये पॉसिबिलिटी की होगी रोंग होगी डायरेक्टली इन दे विच मेरे को ए इत्थे ही आ सकता है प्लेस कर लवां इस कंडीशन दे विच मेरे को ए इत्थे भी आ सकता है इत्थे भी आ सकता है इस कंडीशन विच किते भी आ सकता है ए ठीक है ए मेरे को लिख लैनी क्योंकि मेरे को सारे विच पॉसिबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई है सिर्फ इन दे विच ही हुई है कि विच हुई थी कि ता प्रोजेक्शन ही रोग होगी क्योंकि ए उन्होंने अबव आना है ते ए दी कोई जगह ही नहीं बचती इस करके साडे कोल प्रोजेक्शन पॉसिबिलिटी है ही नहीं ठीक है जी फिर उन्होंने कहा टू बॉक्सिस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच ओके ए और एच दे विच की है दो प्लेसिस है ए और एच दे विच ए और एच मेरे को किते नहीं हैगा वा ठीक है हले मैं इन दे अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती सिर्फ इन दे विच कर सकती हाँ ए और एच दे विच मैं इस करके इन्होंने ड्रॉ करके रख लैनी मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी सिर्फ ड्रॉ करके रख लिता फिर मैं नेक्स्ट देखा सी इज प्लेस जस्ट अबव जी जस्ट अबव जी बहुत अच्छा क्ल्यू है उन्होंने कहा सी की है जी दे बिल्कुल इमीजिएटली उपर जस्ट अबव जी
सी एंड विच इधर हो गया, ए तो पॉसिबिलिटी हो ही रोंग गई। अच्छा इतने अगर ए प्लेस करता सी आ ही नहीं सकते, भी प्रोजेक्शन रोंग होगी। इस प्रोजेक्शन विच की होएगा, सी इमीजिएटली आना है, तो दैट मीनस ए दी पॉसिबिलिटी से या इथे आएगा या इथे आएगा। ठीक है, तो मैं इस करके इनू ड्रॉ कर लिया। हले फिलहाल मैं ए किते होर पुट नहीं किता। हुण उन्होंने की गल कही आपां नूं कि देयर आर टू बॉक्सिस बिटवीन आर प्लेस बिटवीन ए और एच। ए और एच का मैं इथे ड्रॉ कर सकती हाँ, ठीक है, ए और एच का मैं इथे ड्रॉ कर सकती हाँ। हुण उन्होंने क्या ए और एच दे विच दो जगह होनी चाहीदियां ने, ठीक है, ए और एच दे विच ते ए और ए उपर होना चाहिए जी नो। ठीक है, मैं अगर ए इथे करा, चलो नेक्स्ट देख दे एक बार, देयर आर एटलीस्ट टू बॉक्सिस बिटवीन ई एंड बी। ओके, ई और बी दे विच भी दो बॉक्सिस चाहिए ने, ई और बी दे विच भी दो बॉक्सिस चाहिए ने। ठीक है, हुण मेरे कोल आ दो रोंग हो गए ने, इधर देखो आ भी रोंग हो गया, क्यों, क्योंकि ई और बी दे विच दो बॉक्सिस चाहिए ने, ते कितने भी प्लेस दो बॉक्सिस वाली नहीं होंगी, भी ए भी पॉसिबिलिटी रोंग होगी। हुण अगर मैं ई इथे करती हाँ पुट होर कितने हो रहा, देखो टू बॉक्सिस चाहिए ने ई और बी दे विच, ई और बी दे विच टू बॉक्सिस चाहिए ने, ई और बी दे विच। हां जी देखो ई नू या तो ई कितने होना चाहिए सी, इथे होना चाहिए सीगा, ताई ई और बी दे विच होना सी, ताई मेरे को आ भी पॉसिबिलिटी की होगी रोंग होगी, मतलब मेरे को सिर्फ टू पॉसिबिलिटीज रह गई। हुण मतलब की है कि या तो मेरे को ई इथे हुंदा, पर इस कंडीशन दे विच मेरे को ई कितने आ सकता है, इथे आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा ई और बी दे विच दो चाहिए ने, तो इस विच मेरे को कितने आ सकता है, ई इन विच मेरे को ई कितने नहीं आ सकता, ई और बी दे विच नहीं, अगर मैं ई इथे करती हूं तो तीन आ जाते, अगर मैं ई इथे करती नहीं आएगा, इथे टू आ गई। ठीक है जी, मतलब मेरे को आही पॉसिबिलिटीज है, आ भी हो गया मेरा कंप्लीट, क्लियर है। हुण उन्होंने कहा टू बॉक्सिस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच, हुण असी ए ते एच दा काम करांगे। देखो ए और एच दा उन्होंने की गल कही है, अच्छा एक तो ए जी दे उत्ते भी आना चाहिए, मेरी ए ते एच दी सिर्फ दो प्लेसिस है, नहीं इथे आ सकता ए और एच, देयर आर टू बॉक्सिस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच। अगर मैं ए इथे लै लवां एच इथे लै लवा, ठीक है, तो उन्होंने यही गल कही ना, ए अबव जी भी हो सकता, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो एच दे ए ते एच दे विच दो ही बॉक्सिस आ रहे हैं, पर ना दी ना मेरे को एक भी कंडीशन पई हुई है, की कंडीशन पई हुई है, इस कंडीशन विच हले गल कर रही है। अच्छा इन्हें जो पहले ए ते एच पुट कर लो, अगर मैं ए इथे लै लवा टू बॉक्सिस कर, एक सैकेंड रुक, हाँ एक बार पहले हाँ पॉसिबिलिटी चेक कर लेना, उन्होंने नंबर ऑफ बॉक्सिस बिटवीन ए एंड जी इज सेम, ए एंड जी इज सेम एज बिटवीन एच एंड बी, एच ते बी ते दूजी किंदी गल कही है, नंबर ऑफ बॉक्सिस बिटवीन ए एंड जी, ए ते जी दे विच किन्ने बॉक्स है, एक है, ते एच ते बी दे विच ता बहुत सारे ने, दैट मीन्स मेरे को ले रोंग हो गया, क्लियर है। हुण मतलब मैनू की करना पएगा, ए हुण हले मैं फिलहाल ए ते एच इन दे विच लेना है, मैं कितने लवांगी ए और एच, अगर मैं ए इथे लवा तो एच इथे लवा, ठीक है, उन्होंने की गल कही है, ए जी तो उत्ते होना चाहिए, मैं ए उत्ते ही रखे है। हुण देखिए की देखना, टू नंबर ऑफ बॉक्सिस बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी दे विच नहीं, मतलब मैनू ए नू इथे प्लेस करके देखना पड़ेगा, ए और एच नू इथे प्लेस करा, ठीक है, ए और जी दे विच किन्ने प्लेसिस आ रही ने, वन टू थ्री, थ्री बॉक्सिस आ रहे ने, वन टू थ्री हले दी करते हैं फिक्स, ठीक है, बिटवीन एच एंड बी, बिल्कुल ठीक है, एच और बी दे विच भी तीन बॉक्सिस आ रहे ने, ए और जी दे विच भी तीन बॉक्सिस आ रहे ने, वन टू थ्री एक इनकी प्लेस खाली, ए बी सी डी ई ए एफ दी प्लेस होगी, क्लियर है जी। तो यही साड़ी कंडीशन की हो गई, फुलफिल हो गई, तो दैट मीन साड़ी प्रोजेक्शन कैडी होगी, बिल्कुल सही आ वाली होगी, ठीक है जी, क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट बॉक्सेस अगेन वही है कि नंबरिंग नहीं दिखती हुई है, प्लेस वन अबव अनदर नॉट टू बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकली ऑर्डर आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर कोई भी इकट्ठा नहीं आ सकता, क्लियर है जी, इस तक ऐसी नंबरिंग नहीं दिखती, वन नीचो एट ऊपर एक बार कंसीडर कर लो। ओके ठीक है जी, चलो ए इज प्लेस्ड नॉट प्लेस्ड जस्ट ए
अबव एंड बिलो बी, मतलब ए ना ही बी दे उत्ते हो सकता ना ही नीचे हो सकता। क्लियर है जी। बॉक्स इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन आइदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम। पॉसिबिलिटीज मैं इतने बना के चल रही हूं, लेट्स चेक की केड़ा सही हुंदा केड़ा गलत हुंदा। ठीक है जी। बॉक्स इज प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन आइदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम, मतलब ई ता या ता इत्थे हो सकता सेकंड पोजीशन ते, ए अगर फर्स्ट ते या फिर कित्थे हो सकता है, इत्थे हो सकता। ठीक है, उन्होंने क्या है कि इज प्लेस्ड एट द सेकंड पोजीशन आइदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम, या तो फिर टॉप तो इत्थे हो सकता सेकंड पोजीशन ते, या फिर बॉटम तो सेकंड पोजीशन ते हो सकता है। ओनली टू बॉक्सिज आर बिटवीन एफ एंड सी, एफ ते सी दे विच साडे कोल दो बॉक्सिज होंगे। यस, हां जी। बॉक्स इज प्लेस्ड एट द सेकंड पोजीशन, दोनों वाली मैं कर देती है ड्रॉ। ठीक है, ओनली टू बॉक्सिज आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, मतलब अगर एफ एंड सी, हां जी, स्टार्टिंग उन्होंने की गल कही सी एडजेसेंट वाले कभी नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट वाले नहीं होने चाहिए, मतलब मेरा की है कि अगर मैं एफ नू इत्थे प्लेस करांगी तो ई ते एफ तो एडजेसेंट हो गए अल्फाबेट्स। ठीक है, मतलब ना ही मैं इत्थे एफ लै सकती हूं, इवन ना ही डी लै सकती हूं, ना ही इत्थे एफ लै सकती हूं ना ही डी लै सकती हूं। ठीक है, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, मतलब मैं एफ इत्थे भी नहीं प्लेस कर सकती, इत्थे भी नहीं प्लेस कर सकती, दैट मीनस मैं एफ इत्थे प्लेस कर सकती हूं। ठीक है, देर आर टू बॉक्सिस बिटवीन एफ एंड सी, टू बॉक्सिस मतलब मेरा फिर इत्थे ही सी आएगा। ठीक है, ठीक है, होर मैं एफ कित्थे प्लेस कर सकती, अगर मैं एफ इत्थे प्लेस करके नीचे सी नहीं आ रहा, सी उत्थे ही आएगा। क्लियर है जी। होर मैं एफ अगर इत्थे प्लेस कर दी हां, ठीक है, तो सी मेरे को इत्थे आंदा है। ठीक है, सी इत्थे आंदा है। क्लियर है जी। होर मैं कित्थे कर सकती हां एफ सी, अगर इत्थे एफ करा, अगर मैं इत्थे एफ कर दी हां एक होर, तो दो छड़ के सी इत्थे आएगा। ठीक है, होर एक कंडीशन होएगी, अगर मैं एफ नू इत्थे प्लेस करा तो मेरे को टू छड़ के सी इत्थे आएगा। क्लियर है, मेरे को यही पॉसिबिलिटीज है, यही पॉसिबिलिटीज है फॉर एफ एंड सी दे लई, जेडियां मैं सारियां की कर लीते ने ड्रॉ कर लीती हैं। हां जी, इन दे विच मैं एफ ते सी दी कित्थे कर सकती हां, एफ एफ ते सी मैं इत्थे ड्रॉ करूंगी इस दे विच। क्लियर है, इस दे विच मैं इत्थे करूंगी ड्रॉ, इन दे विच मेरे को एफ इत्थे नहीं आ सकता क्योंकि ई दे नाल की है इत्थे, ई दे नाल की होएगा, इत्थे भी नहीं एफ आ सकता, इत्थे भी नहीं आ सकता एफ, तो दैट मीनस इस दे विच मैं एफ अगर इत्थे कर लवां, ठीक है, तो मेरे को सी कित्थे आया, इत्थे आएगा। क्लियर है जी, सी इत्थे आएगा। चलो आप लेके चलते हैं एक बार, ओनली टू बॉक्सिज आर प्लेस बिटवीन एफ एंड सी, ए तो हो गया टू बॉक्सिज वाले ही बने ने एफ और सी दे विच। फिर उनके बॉक्स डी इज प्लेस जस्ट बिलो एफ, मतलब डी कित्थे होएगा, जस्ट एफ दे, एफ इत्थे डी इत्थे, पर डी इत्थे नहीं हो सकता क्योंकि ई बैठा है। ठीक है, डी इत्थे, ठीक है, डी इत्थे, इन्दे विच जस्ट बिलो के है ना, ठीक है, एफ डी इत्थे, डी ई एफ। ठीक है जी, ए वाली मेरी कंडीशन थोड़ी जी सही चल रही है। ओनली टू बॉक्सिस आर प्लेस बिटवीन एफ एंड सी, बॉक्स डी इज प्लेस जस्ट बिलो एफ, बी जस्ट बिलो एफ। ठीक है, ए प्रोजेक्शन, कोई प्रोजेक्शन रोंग तो नहीं हुई, जस्ट बिलो एफ, ए प्रोजेक्शन मेरे को रोंग हो चुकी हुई है। चलो, बॉक्स बी इज प्लेस्ड, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी, बी कितने होना चाहिए अबव सी दे बट नॉट एट टॉप। पहली गल तो बी इतने तो बिल्कुल नहीं आ सकता, इस दे विच बी उपर होना चाहिए, दैट मीनस मेरे को ए भी प्रोजेक्शन रोंग होगी, बी उत्ते किते भी हो सकता है, बी उत्ते किते भी हो सकता है सी दे, पर इत्थे नहीं आ सकता क्योंकि एडजेसेंट वाले नहीं आनेगे। ठीक है, बी फिर इन्दे विच इत्थे प्लेस हो सकता है, पर ए भी रोंग हो गया मेरे को, क्यों, क्योंकि मेरे को एडजेसेंट टू एंगल्स नहीं, सॉरी टू अल्फाबेट्स नहीं आ सकते, इन्दे विच मेरे को बी इत्थे ही कंडीशन है आन दी, इत्थे नहीं आ सकता, अदरवाइज मेरा रोंग हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी बट नॉट एट टॉप, ओके, नॉट एट टॉप भी क्या है, फिर दैट मीन्स मेरे को ए भी कंडीशन की होगी, रोंग होगी, सिर्फ मेरे को इस टाइम जेडी चल रही कंडीशन आ भी रॉन्ग होगी, आ भी रॉन्ग होगी, आ भी होगी, आ भी होगी, सिर्फ आ ही सही चल रही है। चलो लेट्स सी कि बी कितने आंदा है,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੋਕਸ ਇਜ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਦਰ ਫਰੋਮ ਟੋਪ ਔਰ ਫਰੋਮ ਈ। ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰੀ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਈ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਈ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਡੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਡੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬੋਕਸ ਈ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਦਰ ਫਰੋਮ ਟੋਪ ਔਰ ਫਰੋਮ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਐਡਜਸਟ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੋਕਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅਬਵ ਐਫ ਔਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਬੋਕਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅਬਵ ਸੀ, ਬੀ ਨੂੰ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਬਟ ਨੋਟ ਐਟ ਟੋਪ। ਬੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਬੀ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਬੋਕਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੀ ਐਂਡ ਜੀ, ਸੀ ਔਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੁਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਕਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਦਰ ਫਰੋਮ ਟੋਪ ਔਰ ਫਰੋਮ ਬੋਟਮ, ਓਨਲੀ ਟੂ ਬੋਕਸਿਸ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਬਿਟਵੀਨ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਕਸ ਡੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਜਸਟ ਬਿਲੋ ਐਫ, ਜਸਟ ਬਿਲੋ ਐਫ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਕਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅਬਵ ਸੀ ਬਟ ਨੋਟ ਐਟ ਟੋਪ, ਬੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਟੋਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਬੋਕਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੀ ਐਂਡ ਜੀ, ਸੀ ਔਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਕਸ ਆ ਸਕਦਾ ਬਟ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਫ ਔਰ ਡੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈਦਰ ਟੋਪ ਔਰ ਬੋਟਮ, ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਟੋਪ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਟਮ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਟਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਈ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਟੂ ਬੋਕਸਿਸ ਆਰ ਬਿਟਵੀਨ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਐਫ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਐਫ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਫ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਫ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਓਨਲੀ ਟੂ ਬੋਕਸਿਸ ਆਰ, ਬੋਕਸ ਡੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਜਸਟ ਬਿਲੋ ਐਫ, ਬੋਕਸ ਡੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਈ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਆਰ ਫੋਰ ਬੋਕਸਿਸ, ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਬੋਕਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਫ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਕਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅਬਵ ਸੀ, ਬੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਬਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੋਕਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਸੀ ਬਟ ਨੋਟ ਐਟ ਟੋਪ, ਬੀ ਨੇ ਆਣਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਟੋਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਟੋਪ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਡਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਬੋਕਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਬੋਕਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਬਿਟਵੀਨ ਸੀ ਐਂਡ ਜੀ, ਸੀ ਔਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਸ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਲੇਸਿਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਏ ਤੇ ਐਚ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਲੇਸਿਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀ ਬੈਠਾ,
दैट मीनस आई हैव टू पुट हेयर ए, ठीक है, ते हुन दैट मीनस मैं एच इथे ले लवांगी, हुन देख लो कोई भी एडजेसेंट है गया, ई जी दे नाल एडजेसेंट है नहीं, सी ई दे नाल एडजेसेंट है नहीं, ए ना डी दे नाल ना सी दे नाल, ऊपर नीचे दोनों पास देखना है, ठीक है। इस करके प्लीज ध्यान रख के करना कि मेरे वाली गलती तुसी ना कर देना, जिहड़ी गलती मेरे कोल हुई है पॉसिबिलिटीज नू बहुत ध्यान च रख के तुसी क्वेश्चन नू सोल्व करना है, ठीक है जी। कल असीं करांगे टॉपिक फ्लोर ते फ्लैट बेस्ड, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ओनली टू टॉपिक्स आर लेफ्ट नाउ फ्रॉम पजल्स, एक फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड वह आप कल करांगे, और एक होर टॉपिक पे है वह कवर करके इसमें साडा पजल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जिन्ना मैं करवाया तुसी इन्ना ही कर लोगे तो दैट इज सफिशियंट फॉर यू पीपल। जेडी गलती इतने मैं तुम बार बार कह रही हूं मैं कीती है, प्लीज तुसी ना करना। पजल ना होना, पजल का मतलब यही पजल होना, सिर्फ ध्यान रख के करोगे क्वेश्चन का तुसी इजिली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं विद द सेम टॉपिक, और मैं होप कर दी थानू समझ आ रही है, तो वीडियोज को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, थैंक यू।